विमेन और इन्वेस्टमेंट्स, नो नो। लेकिन आज का शो कहता है यस यस। 94.3 एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे मीनाक्षी को, एंड यस वेलकम टू एक और धमाकेदार एपिसोड ऑफ माय मनी गुरु ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया। एंड मेरे साथ हैं ऑब्वियसली द को फाउंडर ऑफ फिनवेजिया नटी। हे नटी। हे मीनाक्षी। नटी के साथ साथ हैं एक नॉटी सी मेहमान, सलोनी फ्रॉम फिनवेजिया। गुड इवनिंग मीनाक्षी। कल विमेंस डे था, हैप्पी बिलेटेड विमेंस डे टू यू टू। चलिए सलोनी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, विमेन सेविंग तो बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तब इन्वेस्टमेंट में डर जाती हैं। क्या कहेंगे आप? मीनाक्षी, हम सब जानते हैं कि जो इंडियन विमेन है सेविंग करने में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा पीछे रह जाती हैं। सेविंग इज अ गुड हैबिट, सेविंग हमें करनी चाहिए, लेकिन सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं मीनाक्षी। आपका पैसा सेविंग अकाउंट में बैंक के पास सेफ है, ठीक है, बट जो सबसे बड़ा नुकसान, जो सबसे बड़ा रिस्क हमें नहीं दिखाई देता वो ये है कि महंगाई आज 10-12% पर बढ़ रही है, ठीक है। सेविंग्स में आपका जो बड़ा पैसा है उससे आपको 4% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता, तो इन अ वे यू आर किलिंग द वैल्यू ऑफ योर मनी, राइट। इसलिए इन्वेस्टमेंट आपको हेल्प करता है अपनी वेल्थ को बढ़ाने में। ये तो आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट में हमें कन्वर्ट करना है, पर कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए सलोनी? मीनाक्षी, हर इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तीन बातों का ध्यान रखे। पहला, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कहती हैं कि आपको 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। हम जैसे बोलते आए हैं कि गोल्ड बहुत ओवर प्राइस्ड है, राइट, तो आप उसके फेयर प्राइस से ऊपर तो उसको खरीदना नहीं चाहेंगे। अगर ऐसे में हम बात करें तो आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी, मीनाक्षी, हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपके जो गोल्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बहुत क्लियर होने चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आज से 1 साल बाद आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, या आपको इस साल 10-12% रिटर्न बनाना है। आपके पास एक गोल होगा तो आपको पता है कि आपको किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इन गोल्स और टारगेट्स को अचीव करने के लिए कितना रिस्क लेना है वो डिफाइन करना है। ओके, माय गॉड, आई एम रियली रियली इंप्रेस्ड विद यू सलोनी, मुझे अपनी शिष्या बना लो। वैसे पिछली बार हमने दिल के तार छेड़ दिए थे दिलों के, जब हमने वैसे कहा था कि विमेन आर बेटर इन्वेस्टर्स देन मेन, लेकिन इस बार क्यों फाइनली इस पर ठप्पा लगा दिया जाना चाहिए ये हम पता करेंगे थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए 94.3 माय एफएम पर एमएमजी, दैट इज माय मनी गुरु ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया। और कोई भी प्रश्न है आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, क्या करना है, तो आप एसएमएस कर सकते हैं। MYC टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, एमएमजी, दैट इज माय मनी गुरु टाइप करके अपने नेम के साथ सेंड कर दीजिए 53636 पर। सुनते रहिए 94.3 माय एफएम पर आरजे मीनाक्षी को, जियो दिल से। I can't believe seriously कि मेरे साथ एक women investment expert है। 94.3 my FM पर आप सुन रहे हैं my money guru, the first radio talk show on investment related issues, and this is brought to you by Finvasia। और मेरे साथ हैं Finvasia के co-founder Natty, जो आज women's day पे हमें बड़ी छूट दे रहे हैं women को। मैं हूँ आरजे मीनाक्षी और मेरे साथ है Finvasia से ही सलोनी। चलिए, पिछली बार हमने एक teaser छोड़ा था पिछले हफ्ते ये कह के कि women are better investors than men। So well, सलोनी, अब तो मेरे साथ हो तो मुझे बताओ। ओके मीनाक्षी, हमारे पास ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स और स्टडीज हैं जिनमें ये प्रूव हुआ है दैट वुमेन हैव गिवन बेटर रिटर्न्स देन मेन व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग। हम बात करें कुछ फंड्स की, तो 2013 में उन फंड्स के रिटर्न्स दैट वर बीइंग मैनेज्ड बाय वुमेन गिव अ रिटर्न ऑफ 9.8%, जबकि मेन गिव रिटर्न्स ऑफ 6.13%। वाओ, आई एम सो ग्लैड। और ऐसे ही मीनाक्षी, लास्ट 2 सालों में कुछ यूरोपियन फर्म्स हैं जिनकी स्टॉक वैल्यू 64% से भी ज्यादा इंक्रीज हुई, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था वो वुमेन का था, इन कंपैरिजन टू स्टॉक वैल्यूज ऑफ फर्म्स दैट वर बीइंग मैनेज्ड बाय मेन। और अगर हम बात करें एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर, तो जो ग्रुप वुमेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स मेन के कंपैरिजन 2.3% ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। वाओ, मतलब हर हाल में वुमेन आर बेटर इन्वेस्टर्स देन मेन। अच्छा, अगर इतनी अच्छी इन्वेस्टर्स अगर हम हैं, तो फिर भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, इसका सोल्यूशन फिर क्या है सलोनी? मीनाक्षी, द बिगेस्ट रीजन व्हाई वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इज हमें लैक ऑफ नॉलेज है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो लिटरेसी नहीं है कि हम कहां इन्वेस्ट करें। यू विल बी डिसअपॉइंटेड, इनफैक्ट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 80% से ज्यादा जो वर्किंग वुमन है उनका अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैं भी उनमें से एक हूं। आगे बोलो। और इसका जो एकमात्र सोल्यूशन आई वुड से दैट इज फाइनेंशियल एडवाइस। और स्टेटिस्टिक्स भी ये वैलिडेट करते हैं कि इन जनरल 75-80% जो मल्टी मिलियनर वुमेन इन्वेस्टर्स रही हैं, उन्होंने एक्टिव फाइनेंशियल एडवाइस लिया है।
क्या बात है. तो एक्टिव फाइनेंशियल एडवाइस मैं तो लेने वाली हूँ और मैं ले रही हूँ एक्चुअली फिनवेजिया से, इसलिए आई एम ग्रोइंग एवरी डे. चलिए, किस तरह से विमेन और मेन अलग अलग ढंग से इन्वेस्ट करते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस इन दोनों में होते हैं, मेन और विमेन जिस तरह से इन्वेस्ट करते हैं. और हम नैटी को भी इस बार बीच में लाएंगे, काफी देर से चुप है, थोड़ी देर में. आप सुनते रहिए 94.3 MyFM RJ मीनाक्षी के साथ, जियो दिल से. विमेन्स डे का तोहफा मिला है इन मोहतरमा को जो मेरे साथ हैं. एक ही दिन में इन्होंने इतना कमाया जितना पूरे दो साल में किसी एक दिन में नहीं कमाया. 94.3 MyFM आप सुन रहे हैं, मेरे यानी RJ मीनाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं ये शो माई मनी गुरु विच इज ब्रॉट टू बाय फिनवेजिया. मेरे साथ है फिनवेजिया के को फाउंडर नैटी. विमेन्स डे के उपलक्ष्य में ये हम दोनों को ज्यादा बातें करने का मौका दे रहे हैं. लेकिन यस, मेरे साथ है सलोनी फ्रॉम फिनवेजिया, हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट. अच्छा सलोनी, मतलब मैं जो अभी कह रही थी, तुम्हें विमेन्स डे का तोहफा मिला है, एक दिन में व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम गया, क्या हुआ बताएं जरा. मीनाक्षी, इट हैज बीन अ ग्रेट. मैंने यूजुअली अपने डैड को या तो गोल्ड या FDs में इन्वेस्ट करते हुए देखा था. उनकी तरह मेरा भी यही मानना था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप शेयर्स को खरीद कर सालों तक वेट कर रहे हैं. हाँ. कि फेवर में आ गया तो आ गया, नहीं तो किस्मत है. हाँ. तो अपने एक्सपीरियंस से मीनाक्षी मैं ये बता सकती हूँ कि इन्वेस्टर्स जो डरते हैं कि हमने इन्वेस्ट कर दिया मार्केट गिर जाएगी तो क्या होगा, लेकिन आप गिरती हुई मार्केट्स में भी पैसा बना सकते हैं. इन्वेस्टिंग इज नॉट एट ऑल गैम्बलिंग. ये बहुत ही, मैं कहूंगी, एक ल्यूक्रेटिव फील्ड है. ये इट्स अ वर्ल्ड इन इट्स self. Wow. And that is the reason I made it a career for myself. Really Saloni, I'm so proud of you. चलिए नाटी, जो हम दोनों को observe कर रहे हैं इतनी देर से, all girls talk and women's day celebration. नाटी, finally your word on it. Women are better investors than men. क्या कहेंगे आप? Meenakshi, obviously, you know, with two beautiful women sitting in the room, I won't go the other way around. But okay, here's my one tangent thought over here. अगर मैं दुनिया के top 10 investors की बात करूँ, Mario Gabilli, Peter Lynch, Warren Buffett, Rakesh Jhunjhunwala, you know, all these guys, why are they all men? Why are they not women? ये बात तो है. I personally believe women are very good investors क्योंकि उनमें patience होता है, उनमें gambling का instinct नहीं होता. Casino में जाओ तो 90% लड़के होते हैं. The basic chromosomal fact, I guess there is somewhere that literacy that's lacking for which women has still not shown up their color in this field of you know, a business. तो फिर नाटी आप क्या कहेंगे, मतलब अभी तक कटरू कलर्स कैसे दिखाएं? सलूनी ने तो दिखा दिए, बाकी कैसे दिखाएं? I would say get some financial advice outside of you know, just your home and look into it as another option to save money and look for your long term goals. Absolutely, another option to save money, ये तो women को बहुत अच्छे से समझ में आता है. चलिए क्या बात है, और थोड़ी देर में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ने वाले हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं. नाटी, आप सुनते रहिए 94.3 MyFM पर माय मनी गुरु ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया RJ मीनाक्षी के साथ, जियो दिल से. आने वाले हफ्ते में आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड के क्या नए नए तेवर होंगे ये तो कोई नहीं बता सकता. हाँ, पर आने वाले हफ्ते में मार्केट के तेवर कैसे बदल सकते हैं, पता कीजिए ऑन माय मनी गुरु 94.3 MyFM. आप सुन रहे हैं मेरे यानी RJ मीनाक्षी के साथ ये शो माय मनी गुरु विच इज ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया, और मेरे साथ है फिनवेजिया के को फाउंडर नैटी एंड द वेरी लवली सलोनी. ओके नैटी, आपसे कोई बात करना चाहता है और कोई सवाल है उनका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड. जी, कौन है हमारे साथ? हेलो नैटी सर, मैं आलोक मिश्रा बोल रहा हूँ. मैंने हाल ही में अभी PNB का शेयर खरीदा था 570 रुपए में, 570 रुपीज में, और अभी ये 620 रुपए का चल रहा है. तो क्या मैं शेयर को बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ या अभी रुक जाऊँ? Hi Mr. Alok, first of all, you know, you bought PNB at a nice price. मैं बोलूंगा कि अभी आप PNB को होल्ड करके रखिए. हमारा अगले 6 महीने से 1 साल तक का टारगेट PNB का करीब 720 से 740 रुपए है. अगर आप PNB से प्रॉफिट बुक करके किसी और शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी बैंकिंग सेक्टर में IDFC बैंक, SBI, ये बैंक्स काफी अंडर वैल्यूड है और आप उनमें भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं. ग्रेट, क्या बात है, मतलब अमेजिंग. आप इतने अच्छे अच्छे एडवाइस देते हैं ना, मैं कई बार सोचती हूँ मैं आपके लेवल तक कब आऊंगी. मुझे लगता है मीनाक्षी कि बहुत जल्दी आप मेरी तरफ होंगे और मैं आपकी तरफ होंगे. चलिए नाटी, वैसे पिछली बार आपने, मुझे याद है कि आपने बैंक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, तो उसका क्या, मतलब क्या हुआ क्या? मीनाक्षी, एक्चुअली बैंक्स हैव परफॉर्मड अमेजिंगली इन लास्ट वन वीक. पिछले एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज बैंकिंग स्टॉक करीब 10% ऊपर है. ओह माय गॉड, वाओ. तो जो आपने कहा था मतलब वो सच होता दिख रहा है, तो चुपचाप नाटी सर को फॉलो कीजिए और पैसे कमाइए, डॉलर कमाइए, क्या बात है. तो वैसे हमेशा हमें नाटी बताते हैं कि मार्केट का हाल अगले हफ्ते का क्या रहेगा, लेकिन इस बार बिकॉज सलोनी दी एक्सपर्ट है हमारे साथ, आप बताइए सलोनी, कैसा आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर रही हैं अगले हफ्ते के लिए?
मार्केट इन जनरल में नाक्षी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है ऐसा मुझे लगता है। क्या बात। और रिसेंटली हमने निफ्टी अपने की इंडिसेस को देखा कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम हाई टेस्ट किए हैं, बहुत पॉजिटिविटी है एंड आई थिंक ये पॉजिटिविटी इलेक्शन से पहले की है। आने वाले वीक में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, जो लोग एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कॉशियस रहना चाहिए। पहला रहेगा यूएस कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा, ऐसा डेटा अगर अच्छा आता है वो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होता है, और जो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए नेगेटिव रहता है। अच्छा। और दूसरा डेटा मैं कहूंगी कि WPI इन्फ्लेशन नंबर आएगा इंडिया का, और ये बैंकिंग सेक्टर को बहुत ही ज्यादा मूव कर सकता है। तो जो लोग बैंक्स में बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो थोड़ा कॉशियस रहिए। अगर इन्फ्लेशन हमें कूल ऑफ होती दिखाई देती है तो दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर द बैंकिंग। क्या बात है। चलिए अगले हफ्ते एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। 94.3 FM पर सुनते रहिए माय मनी गुरु, विच इज ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया। आरजे मीनाक्षी सिंह, बाय बाय टाटा, कल सुबह फिर सलाम चंडीगढ़ पे मुलाकात होनी 94.3 MFM पे जियो दिल से।